नोटिस <laughs> ये ओवरहेड टैंक से पानी किसको मिलेगा कोई बात नहीं, कोई बात. किसको God मिलेगा तो अब आप ग्राम पंचायत को भी पार्टी बना दीजिए ग्राम पंचायत को पार्टी बना दीजिए बिकॉज दे विल बी दफलर Lord, the party. Since the petitioner has challenged the construction of an overhead water tank, which is supposed to feed water to the local residents, accordingly, the council for the petitioner prays for and is granted a week's time to inflate the Gram Panchayat so that it can uh, put forward the case of the local residents. बस आफ्टर डी एप्लिकेशन इस्पेंड. इन बट फ्यूल ऑफिस समेट मेरा परमिट मैन मालूद मैं समेट मारूं. जी. डेट आई हैव आल्सो प्रेड बिफोर डी ग्राम पंचायत मालूद वेदर एनी रेजोल्यूशन और. रेजोल्यूशन के ग्राम देखिए साहब चलिए विस डायरेक्टेड टू इंप्लीड ऑल डी रेसिडेंट्स ऑफ़ विलेज सी A petitioner has challenged the construction of a, a overhead water tank which is uh, which, uh, which is being constructed for supply of water to the residents of the area. Therefore the council for petitioner was directed to, Employed Gram Panchayat, but he submitted that he has verified from the Gram Panchayat that no resolution for construction of overhead tank was ever passed by Gram Panchayat. This court was intending to was the intention behind the employment of Gram Panchayat was to find out as to whether the villagers of the area who are the who will be the beneficiary of the overhead water tank. Uh, can be heard. but since the petitioner is not interested in including the gram panchayat as a respondent, therefore, the petitioner is directed to include all the residents of a village seegow and all the residents of those villages who are, where the water uh, where the water is likely to be supplied. list after the application is filed. My Lord, may sure. I submit?

आपने निवेदन किया निवेदन इसलिए करते हैं कि कोर्ट अगर उसको चाहे तो माने चाहे ना माने हमने मान लिया मेरा अब आपके निवेदन को मानने के बाद उसके क्या रिप्रिकॉशन हो सकते हैं ये आपको बोलने से पहले सोचना था मैं सिर्फ अब आप मुझे ये बताइए सर मैं आपको एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपने जबलपुर में भी कई इलाके देखे होंगे जहाँ पे डिमांड आती है कि सर यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है आदमी त्राही त्राही मचा रहा है भूखे प्यासे मर रहे हैं पाँच पाँच किलोमीटर दूर से पानी लाना ला, लाना पड़ता है महिलाओं को सर के ऊपर गंजी रख के शासन कहता है चलो यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं ताकि यहाँ पानी सप्लाई हो जाएगी एक सज्जन जो है जिनको तकलीफ है राइट वो आ जाते हैं पिटिशन पे और हम उठा के कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं सफरर कौन है सफरर कौन है से? अब local. अब लोकल हमने उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सो दैट दे मे केस बाय रिप्रेजेंटिंग द रेसिडेंट्स ऑफ एरिया आपने कहा सर उन्होंने कह दिया हमने कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है

आपने सीधा सीधा सा कहा कि यू हैव वेरीफाइड बट नो रेजोल्यूशन तो इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत ने अब इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना है कि कर नहीं करना है दैट इज आल्सो इन अ डायलेमा तो जो आदमी भूखे प्यासे मर रहे हैं उनको तो सुन ले ना सुने नहीं नहीं सर आप सुने ना तो बस ड्यू रिस्पेक्ट माय लॉर्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट मी द ओनली आई एम इन अ क्वेश्चन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट भाई साहब मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो जमीन जानवरों के गोदान के लिए चराई के लिए रिजर्व है उस पर आप कंस्ट्रक्शन करके जानवरों को कैटल्स को जानवर शब्द इस्तेमाल नहीं भी करता पशु का कर कहता हूँ वो पशु जो कि आपको भी जिंदगी देते हैं आपके पाले हुए पशु हैं तो आप घर में चारा खिलाने के बजाय उनको चराई पे ले जाके छोड़ देते हैं वो एक अलग बात है ठीक है उनकी भी जान है उनका वो आपको दूध दें या ना दें उनका पालन पोषण होना चाहिए आपने ऐसी कई गौशालाएं देखी होंगी वहां पे मात्र वही गाँव को लाया जाता है जो दूध देना बंद कर देती है और जिनको लोग छोड़ देते हैं सड़कों के ऊपर उनका इलाज किया जाता है, है? मैंने ग्वालियर में भी देखा है यहाँ भी सुना है सुनिए 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 तो सुनिए also... सुनिए 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 सर मैं वही कह रहा तब तो आपको तो सही सर्थ है मैं भी मैं इसीलिए इस 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 सर मैं भी उसमें एक मैं, मैंने एग्जाम्पल तो दिया सर सवाल इस, तो तो इस तो बात तो इस का तो है तो मैंने एग्जाम्पल सर इस बात पर दिया कि ऐसे आज भी कई लोग हैं जिनको कि गाय या पशु से क्या फायदा हो रहा है उससे मोहब्बत नहीं है उनको उनकी सेवा से मोहब्बत है बस इतनी बात कहना चाहता इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता दूध देने वाले पशुओं को आप सेवा कर रहे हैं उसमें उस सेवा में कोई कमी नहीं रहती है परंतु वो बदले में आपको कुछ देती है जिससे कि आपको कुछ रिसोर्सेज भी मिलते हैं दूध बेच के मिल्क प्रोडक्ट्स बेच के उसी पैसे से आप गौशाला में दोबारा पैसा लगाते हैं जब आपको कोई इनकम नहीं होती है तब आप चैरिटी करते हैं अपने अपनी, अपनी जेब से अपने मेंबर्स की जेब से समाज की जेब से राइट इतनी सी बात है तो आपने जो पिटिशन लगाई है कि हमारे पशुओं के लिए जमीनें समाप्त हो जाएंगी ये बात बिल्कुल सही है तो मैंने आपकी पिटीशन को खारिज करने के लिए नहीं बोला राइट right? right. अब अब मैंने आपको पीआईएल के लिए भी नहीं बोला क्यों नहीं बोला क्या मैं ये कह सकता हूं कि पशु जो है अपनी तरफ से पिटिशन लगा सकते हैं yes. नहीं लगा सकते True. अगर आप ये कहते हैं कि सब ये प्यासा इलाका है यहाँ पे वो नहीं बन रही है तो हमको लगता है कि भाई आप तो किसी दूसरे शहर के जबलपुर वाले हैं आपको मंडला में कहाँ प्यास लगी है आपको क्या लेना देना मंडला वाले आएंगे तो देखेंगे आपकी पिटीशन है इसलिए हमने आपकी पिटीशन की ऊपर एक भी प्रश्न नहीं पूछा है परंतु वहा पे कोई नाट्यशाला नहीं बन रही है नहीं सर ये बिल्कुल सही है जहाँ पे अगर कुछ एंटरटेनमेंट uh, के कुछ एस्टेब्लिशमेंट बन रहा होता तो हम कहते कि नहीं साहब ये तो फालतू की बात है ये वहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है जिसमें कि लोगों की ही प्यास बुझाई जानी है Absolutely. अब हमें नहीं मालूम है कि वहाँ पे कितनी पानी की कमी है तो कम से कम उन व्यक्तियों को तो सुना जाए कि जो सफर हो सकते हैं नहीं सर सुनिए सुनिए कहा हमने कहा I'm कि आप, हमने कहा तो तो नहीं तो नहीं तो नहीं नहीं इफ, नहीं, इफ नहीं। हमने कहा कि सब ग्राम पंचायत को बना दीजिए ताकि नहीं। वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हम उनको सुन लेंगे आपने कहा कि हमने पूछ लिया उनका कोई रेजोल्यूशन जब हमको अब शक पड़ गया कि ग्राम पंचायत प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं करने वाली उन लोगों का जो सफर है तो आप सबको बना दो चलो नेक्स्ट मेरा मेरा निवेदन भाई साहब आप सर मैं तो अच्छा मैं ना इतनी टेंशन तो... कर सकता हूं सर आप नहीं सर अच्छा मुझे एक चीज बताइए जी पशुओं के लिए जैसे आपने कहा आप गौशाला के आप भी जुड़े हुए हैं जी सर तो जीवित इंसान के लिए भी तो आप एक पैसा खर्च करो सर मैं सबको सुनवाऊं तो सर एक निवेदन करूंगा सर चलो हो गया सो नेक्स्ट सर आई विल permit may i permit to complete only the जब ने शक पैदा कर दिया है सर, कि ग्राम पंचायत नहीं करेगी तो सर, नहीं, नहीं करेगी शक नहीं पैदा कर रहा हूँ सर सर आपने ने बोला respect my lord that i submit my lord to be due respect सर मैं आपकी बात हर बात को पूरी हंड्रेड परसेंट तवज्जो दी है मैंने इस बात पे नहीं किया है कि अरे मैंने बोला और आपने क्यों नहीं माना चलो अब ऐसा करेंगे नहीं ऐसा नहीं जब एक बार आपने कोर्ट के मन में संशय पैदा कर दिया कि शायद ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उन लोगों को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करेगी जो सफर है तो बेटर यह है तो आप उनको भी बना दो कौन कर रहा ही no, ने शक पैदा किया मैंने नहीं किया विदड्रॉ किया no, वो मैं आपके सामने से रख रहा हूँ सर की ओनली की, अरे भाई मैं कितनी बार बोल चुका डेढ़ साल हो गया मुझे आप यहाँ के के, के बैठते हुए हर प्रश्न के पीछे कुछ ना कुछ आशय होता है मैं चाहे कम बोलूं चाहे ज्यादा बोलूं लूज टॉक नहीं एनीथिंग आप लोग इस बात पर एक सेकंड नहीं सोचते हो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है अब नहीं सोचते हो तो आप सफर करो हम सर, क्या दैट इज माय फॉल्ट दैट इज माय फॉल्ट हां तो मुझे ये बताइए कि बेजुबान पशुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप जुबान वाले प्यासे प्राणियों को आप मौका नहीं देना चाहते हो सर मेरा सबमिशन फाइनल कुछ नहीं होता सर नेक्स्ट अब नहीं सर आई दैट दैट आई हैव ऑलरेडी सब ड्राव कर लोPetition हमने क्या विदाउट लिबर्टी सर

मुझे नहीं मालूम है अगर एक ग्राम पंचायत तो वहां के भूखे प्यासे लोगों के लिए नहीं खड़ी हो रही है रिजोल्यूशन लाके सुन तो लीजिए तो फिर भूखे प्यासे लोगों को सुनना हमारा फर्ज है नेक्स्ट मेरी सिर्फ इतना निवेदन था यू हैव नॉट ऑब्जेक्टेड यू है ट्रुथ मुझे आप ये बताइए कि अभी आपने फक्र से बोला था मैं भी गौशाला से जुड़ा हूं मैं सर बोल राइट right? yes. तो वो जीवित व्यक्तियों की प्यास बुझाने में फक्र नहीं महसूस होता सर आप जो बात आ रही है सर, अच्छा आप ये मत कहना है, सर मैंने तो अपने लिए फ्र बोला था पिटिशनर के लिए थोड़े बोला था पिटिश्नर तो उधम मचाने वाला आदमी ऐसा ऐसा है cause, cause. बोलना चाहते हो या इसको कॉन्ट्रेक्टर से कुछ पंगा है तो कॉन्ट्रेक्टर के काम में अड़ंगा लगाना चाहता है ऐसा बोलना चाहते हो कुछ नहीं है सर नोबल कॉज के लिए आया है ना नोबल कॉज है भाई सर इसमें दो लोग हैं ना तो स्टेट गवर्नमेंट है ना ग्राम पंचायत है ना कॉन्ट्रेक्टर है एक तरफ पशु है जो बेजुबान है एक तरफ इंसान है जो जबान वाले हैं पशुओं को खाना भी चाहिए उनको पानी भी चाहिए इंसानों को भी खाना चाहिए और पानी चाहिए खाना ना खाने अब आप जितना करना कर लो मैंने अब कर दिया ऑर्डर सर डब्ल्यू आई कर लो सर जाओ आई विल नॉट चेंज सर वंस यू द ग्राम पंचायत इज नॉट गोइंग टू एक्सपोज द

उतनी ही छोड़ ना, ना, दीजिए सत्तर अस्सी लाख की छोटी दे दीजिए इन इनकेस नहीं है इन केस अरे नहीं है सर। case, अरे? नहीं तो है। है मैं क्या करूं आपने आत्मारा प्रॉपर्टीज़ वाला केस तो पढ़ा ही होगा तरफ लोगों को प्यासा मारना चाहते हो दूसरी तरफ आप काम नहीं होने देना चाहते और तीसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते फॉर एनी बैंक गारंटी अस्सी लाख की सिक्योरिटी फर्निश कर दीजिए मैं कर देता हूं। नहीं नहीं। चलो वही थ्री वर्किंग डेज बाई रजिस्टर्ड मोडर गांगुली जी मुस्कुरा रहे हैं बोले एक एक टंकी तो छोड़ो चार टंकिया और बन जाएंगे उसे नहीं <laughs> मैं इतना ही कहूंगा सर देखिए ऑर्डर ऑलरेडी मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी क्वेरी आती है आप लोगों को लगता है इतनी तेजी से क्वेरी आई है तो लो स्टॉक होगा अगर दिमाग भी उतनी तेजी से घूम रहा है तो यू शुड गिव क्रेडिट टू मूव

मैं इतना ही कहता हूं मैंने जज बनने के बाद एक ही बात सीखी है कि जितना भी बोर्ड से बोला जाए अगर आप उसको लिखने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो वो मत बोलिए और अगर आपने बोला है यू शुड पहलवानी दाव नहीं है हम वही लिख सकते हैं विच अकॉर्डिंग टू मी इज इन अकॉर्डेंस राइट तो जो भी क्वेश्चन होता है उसके पीछे ना पीछे कोई लीगल बैकग्राउंड या रीजन होता है अभी मैंने परसों अंशुमान जी को उनके की करने के बाद के मैंने कहा बोलो क्या करना है मुझे मालूम था आपका फैक्ट जैसे मैंने फैक्स सुने तीन मिनट पर मैं समझ गया कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है बिकॉज यू है लिमिटेड राइट तो आप उसी लिमिटेड उसमें आर्ग्यू uh, करोगे मैंने कहा यार ये ये क्वेश्चन तो मैंने पूछा था आप दो आंसर और वो अपने ही सेटेड जजमेंट में फंस गए थे जाके तो मैंने कहा बोलो क्या करना व्हाट आई से आई डोंट से विद स्पीक व्हाट आई से व्हाटएवर आई स्पीक आई स्पीक विद सम लीगल बैकग्राउंड

जब आप आर्ग्यू करना शुरू करते हैं तो मुझे और आपको हम दोनों को एक दूसरों को लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का आइडिया रहता है आपका नॉलेज की कितनी डेप्थ है और आपको मेरे नॉलेज की कितनी डेप्थ है सबको अच्छा आइडिया रहता है हमें पता है कि ये कहाँ तक आर्ग्यू करने वाला है और आपने एक लाइन पकड़ी है जब तक आप डेस्टिनेशन के पहुंचोगे हमारा पैरल हमारा क्वेश्चन तैयार होगा और उस उस वहां तक पहुंचने से पहले आ जाएगा तो जैसे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड अगर फास्ट है तो क्या करें हम लोग तो <laughs> रहा है प्रोसेसर उसमें <laughs> नहीं, लोग। नहीं ऐसा नहीं है अब आप लोगों के साथ में क्यों लड़ता हूँ ये सारा सब कुछ चीजें हमने मेहनत करके सीखी है ठीक है ना हमने भी जीरो से वकालत शुरू की थी फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने की

ये है और क्वेश्चन। नहीं ऐसा कोई प्रोसेसर और प्रोसेसर वगैरह फास्ट नहीं है पर वो जो मेहनत की थी उसी का खा रहे हैं चल सर 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 मैं सर्थ देट, देट, क्या हो गया यार समाज सेवा है नहीं सर मेरा एक निवेदन सर या तो आप कहिए कि आपका पिटिशनर नोबल कॉज के लिए नहीं आया है सर ऐसा नहीं ही हैज कम टू सेटल हिज सम प्राइवेट स्कूल पर्सनल स्कूल्स नहीं सर नहीं ना बस तो क्या हो गया sir, सब देखिए पैसा तो वो हाथ की मैल है नहीं, sir, respect, in मैं part. आपकी बात नहीं कर नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर नहीं रहा नंबर आपने ग्राम पंचायत की ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आप है। नहीं उठाया है। तो हमने आपकी बात को स्वीकार कर लिया नहीं उठाया सर मैंने सिर्फ कोई बात कोई बात नहीं ग्राम पंचायत में ओनली बीड एजी अब तो हो गया सर चलो नेक्स्ट एटीन त्री प्रियंका अवस्थी मैडम संजय सम्टर डी पेटीशनर सिक्योर्ड एजुकेशन लोन ऑफ थ्री लैक्स फिफ्टी थाउजेंड दे आर आफ्टर वाइट एनर्जी पी फाइव से ही मूव्ड एन एप्लिकेशन प्रूफ सेटल्ड अउन्डर डी अमाउंट डी मैटर हैज बीन सेटल्ड अउन्डर डी लोन अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिट्ड टू डी बैंक एंड नोटिफिकेशन nodus certificate has already been issued by the bank consent document my lords kindly appreciate annexure p p6